लगाया है सजा करके, ठीक है। चलिए आज हम लोग नए नए वर्ड सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स यार्ड। यार्ड को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स गज, ओके। और एक गज बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? एक गज का बराबर होता है आप लोग का 3 फुट होता है, ठीक है। और एक फुट फ्रेंड्स 12 इंच होता है, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो बता देते हैं। एक फुट में 12 इंच, तो 12 इंच गुड़े, यहाँ पर देखिए 12 गुड़े 3 कर देंगे तो टोटल आएगा 36 इंच, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यार्ड, एक यार्ड बराबर 36 इंच होता है, ओके। 36 इंच को फ्रेंड्स एक गज यानी कि एक यार्ड कहता है। यहाँ पर दूसरा वर्ड फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यार्ड वांड का मतलब होता है फ्रेंड्स नापने का गज, ओके। तीसरा वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए येयर, येयर का मतलब होता है फ्रेंड्स तीव्र, उत्सुक भी होता है, निपुण भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हम एलवाई जोड़ देंगे तो निपुणता से हो जाएगा या तीव्रता से हो जाएगा, ओके। यहाँ पर अगला वर्ड फ्रेंड्स यार्न, वाई ए आर एन, यार्न का मतलब होता है धागा, सूत होता है, या एक तरह से आप लोग तार भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, या रस्सी, जो रस्सी की लड़ी होती है उसको भी बोल सकते हैं, ओके। अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यार, यार का मतलब होता है फ्रेंड्स गुर्राना, ठीक है। यहाँ पर गुर्दाना लिख दिए हैं आप लोग, गुर्राना लिख दीजिएगा, गुर्राना भूखना होता है यार, वाई ए डबल आर। यार का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सूखे स्वाद का होता है, वाई ए डबल आर आई एस एच, यारिस, यारिस का मतलब होता है सूखे स्वाद का। अगला वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वाई ए टी ई, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स येट, येट का मतलब होता है फाटक, और फ्रेंड्स गेट का मैंने भी आप लोग का फाटक होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, जो कि जी ए टी ई, तो गेट का मतलब भी फाटक होता है और मतलब भी फाटक होता है, ठीक है, वाई ए टी ई। याप का मतलब होता है फ्रेंड्स बच्चों की तरह चिल्लाना, ओके, वाई ए यू पी। अगला वर्ड है वाई ए डब्ल्यू या का मतलब होता है फफोले पढ़ना। यहाँ पर नेक्स्ट है यान, वाई ए डब्ल्यू एन, यान का मतलब होता है फ्रेंड्स जम्भाई लेना, उबासी लेना या चौड़ाना। उबासी लेते हैं तो आप लोग का मुंह चौड़ा हो जाता है ना, तो चौड़ाना भी आप लोग बोल सकते हैं, वाई ए डब्ल्यू एन, यान का मतलब चौड़ाना या उबासी लेना या जम्भाई लेना, ओके। यहाँ पर इसमें आई एन जी जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो यानिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जम्भाई लेने वाला। और इसमें हम लोग यलवाई जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो जम्भाई लेते हुए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स याज, याज का मतलब होता है